वेलकम टू एजुक्लिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके मॉर्निंग की शुरुआत हमारे साथ। दोस्तों आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके लिए रोज का डबल डोज, जिसमें है एक कैप्सूल दो कदम। आज है 28 सितंबर, तो 28 सितंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन पर हम डिटेल से बात करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। आज के करंट अफेयर्स की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर हर एक प्लेटफॉर्म पर जहाँ चाहे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करना ना भूलें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और दोस्तों कल का कैप्सूल लिया क्या? चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत, अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास मालाबार 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जापान में। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास का 23वां संस्करण मालाबार 2019 नामक अभ्यास ससेबो जापान में शुरू हुआ है। भारत की तरफ से INS सहाद्री, पनडुब्बी रोधी युद्ध कार्वेट, INS क्रिल्टन को लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पोसिडोन 81 के साथ पहली बार हिस्सा लिया है। अब यह युद्ध अभ्यास हुआ है इंडियन नेवी के साथ। तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इंडियन नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अब ये हुआ है जापान में। तो मैप में देखिए, जापान, जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन तथा जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड्स जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये बना है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए राइट आंसर। जम्मू और कश्मीर देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सबसे ज़्यादा संख्या में गोल्डन कार्ड्स जारी किए हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों को निःशुल्क और कैशलेस उपचार प्रदान किया जाता है। अब ये बना है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे IAAF परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आदिल सुमरीवाला को। ऑप्शन सी राइट आंसर। IAAF यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के सदस्य के रूप में आदिल सुमरीवाला को 2 साल के लिए चुना गया है। आदिल सुमरीवाला वर्तमान में इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। वर्तमान में IAAF के अध्यक्ष हैं ब्रिटेन के सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है पीवी सिंधु को। ऑप्शन सी राइट आंसर। पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी वीजा ने 2 साल के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विज्ञापन कैंपेन के जरिए ब्रांड को बढ़ावा देने के अलावा पीवी सिंधु ओलंपिक खेल 2020 के लिए टीम वीजा की एथलेटिक्स सदस्य भी बन गई हैं। अब ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है वीजा की। तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1958 में। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, जो है कैलिफोर्निया अमेरिका में। वीजा के CEO हैं अल्फ्रेड एफ केली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ADB ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने फीसदी बताया है? तो बताई है 6.5%। ऑप्शन बी राइट आंसर। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर को 7% से घटाकर 6.5% कर दिया है, क्योंकि भारत में उपभोग और निवेश गतिविधियों में मंदी के कारण विनिर्माण और सेवा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। अब वृद्धि जारी की है ADB ने। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। ADB का हेडक्वार्टर है मांडुलुयोंग फिलीपींस में। ADB के प्रेसिडेंट हैं टकहिको नकाओ, जो अभी ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कोलकाता में। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का 5वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव है। साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य युवाओं को वास्तविक विज्ञान सीखने के लिए प्रेरित करना एवं प्रोत्साहित करना है। इस साल के साइंस फेस्टिवल का विषय राइजन इंडिया रिसर्च इनोवेशन एंड साइंस एम्पावरिंग द नेशन है। और मैं आपको बता दूं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। अब इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो कोलकाता कैपिटल है पश्चिम बंगाल की।
पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी तथा गवर्नर हैं जगदीश धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपोनर अपोन घर योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है असम ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। असम राज्य सरकार ने एक आवास ऋण सब्सिडी योजना अपोनर अपोन घर शुरू की है। यह योजना एक परिवार के लिए उसके पहले घर की खरीद या निर्माण पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलने और राज्य में रियल एस्टेट के विस्तार होने की उम्मीद है। अब यह शुरू हुई है असम में, तो असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल तथा असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि और किसान कल्याण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है कृषि किसान ऐप को। ऑप्शन सी राइट आंसर। केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि किसान ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से किसानों को अपने आसपास के क्षेत्र में उच्च उपज वाली फसलों और बीजों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। यह ऐप फसल की जियो टैगिंग और जियो फेंसिंग में मदद करेगा तथा कृषि किसान ऐप के द्वारा किसान मौसम का पूर्व अनुमान भी लगा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस के पद्मा देवी का निधन हुआ है, वे कौन थी? एस के पद्मा देवी एक अभिनेत्री थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। कन्नड़ भाषा की दिग्गज अभिनेत्री और बहुआयामी कलाकार एस के पद्मा देवी का निधन हो गया है। इनकी पहली कन्नड़ फिल्म भक्त ध्रुव 1936 में रिलीज हुई थी। वर्ष 2016 में इन्हें कर्नाटक चलनचित्र अकादमी द्वारा जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए आर नगेंद्र राव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है महात्मा गांधी के नाम पर। ऑप्शन ए राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 74वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने महात्मा गांधी पर डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट विश्व में महात्मा गांधी की प्रासंगिकता में जारी किया गया है। अब यह जारी किया है यूएनओ ने। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में तथा यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस। अब देखिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला लेफ्टिनेंट कर्नल कौन बनी है? तो ये बनी है पोनुंग डोमिंग। ऑप्शन ए राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश की पोनुंग डोमिंग भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। यह 2018 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुई थी। ये बनी है भारतीय सेना में। तो भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। भारतीय सेना का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में तथा सेना के जनरल हैं बिपिन रावत। तथा ये बनी है अरुणाचल प्रदेश की पहली लेफ्टिनेंट कर्नल। तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू तथा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने स्कोलोबो फाइड ग्रैंड प्रिक्स खिताब 2019 जीता है? तो जीता है कोनोरू हम्पी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर आंध्र प्रदेश की कोनोरू हम्पी ने रूस के स्कोलोब में फायर्ड वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स 2019 का खिताब जीता है। कोनोरू हम्पी है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हैदराबाद और अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी तथा आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब ये ग्रैंड प्रिक्स हुई है रूस में। तो मैप में देखिए रूस, रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल तथा रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमिर पुतिन एवं प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव। अब आपके लिए आज के क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है तथा इनके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। क्वेश्चंस के बारे में आप जितना ज़्यादा लिखोगे फिर आप वो कभी नहीं भूल पाओगे, तो आप इसकी हैबिट बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दें जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें तथा इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।